और यार बस लास्ट JNPT का पैच अभी हम पार करने वाले। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग 600 आई राइडर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूँ यश और मेरे साथ में यहाँ पे कैलाश और आज हम संडे राइड पे जाने वाले। तो फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक संडे को अपनी बीस्ट अपने साथ में नहीं थी और आज फाइनली आ गई वापस और यहाँ पे रेव बैटल शुरू हो चुका है। ओहो वाह 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 देख रहे हो भाई साहब। ओहो वाह 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 चूहे लोग ने जो बैंड बजा के रखा था अपने बाइक का वो फाइनली सॉल्व हो चुका है और अभी कोई टेंशन नहीं है। सच बोलूं तो बाइक हमने ही बनाया है, सिर्फ फिटिंग जो भी था वो अब्दुल भाई ने किया है सर्विस सेंटर में। बेनेली के सर्विस सेंटर वाले भाई एक नंबर है, काफ़ी सपोर्टिव है और आज मज़ा आने वाला है। देख रहे हो भाई लोग और ये कर्नाटक की गाड़ी है KA। साइड से आ रही है BMW 1000। क्या पावर दिखती है भाई इसकी, चेसिस तो देखो पूरी एल्यूमिनियम की होगी। हमारे पास ग्लव्स होते हुए भी हमने ग्लव्स नहीं पहना है क्योंकि हमें तो चर्बी है, ठंडी का एहसास लेना है। यहाँ का जो वेदर है वो एकदम ठंडा है और मुंबई साइड में तो भाई एकदम गर्मी हो रही थी। CBR 650 आज तो भाई मजा आ गया यार, काफी ज्यादा राइडर्स आए हैं। साहिल भाई भी फुल मजे लेते हुए। दो SC लगे हुई पूजा भाई साहब, आवाज तो देख रहे हो। आगे भी पूजा, सामने भी पूजा, पीछे भी पूजा भाई साहब, आज तो बारिश हो गई। क्या साउंड है भाई, आज तो भाई दमन के दिन याद आ गए।
मतलब एकदम सही टाइमिंग पे आज हम लोग निकले। तो आज के वीडियो में तो भर भर के कमेंट्स आने ही चाहिए। इसके एग्जॉस्ट देख रहे हो गाइस, एकदम बवाल एग्जॉस्ट। दोस्तों तो ऐसे भाई साहब इसको बोलते भाई राइडर। फ्रेंड्स हम लोग जो है हर बार लोनावाला जा जाके एकदम पक चुके थे, तो आज हम माथेरान के दर्शन करने जा रहे हैं। थोड़ा रोड चेंज होगा, लोकेशन चेंज होगा तो मज़ा आएगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, एकदम अचानक से ठंड महसूस हो रही है। तो अपने जो साहिल भाई है वो सब्सक्राइबर है, बस उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को आना है, तो बोलते मेरे को आना ही आना है कोई भी हालत में। तो मेरे को सैटरडे मतलब कल भी बोला था, उससे पहले भी बोले थे, तो अपना ही फिक्स नहीं होता है, सैटरडे को फिक्स होता है, वो भी अर्जेंट में फिक्स होता है, मतलब आधे लोग आते आधे लोग नहीं आते। तो फाइनली फिक्स हुआ तो मैंने इनको बोला चलो आप आ जाओ, अपन प्लान बना ही देते अभी। और फिर माथेरन का प्लान बना दिया हमने। बस माथेरन का रास्ता इतना अच्छा नहीं है जितना लोनावाला का है, लेकिन ठीक ठाक है। तो लोकेशन चेंज करना है इसलिए तो जाना ही पड़ेगा। ज़्यादा लंबा नहीं, यहाँ से 25-27 किलोमीटर्स लंबा था जहाँ से हमने लेफ्ट मारा। तो फ्रेंड्स बस माथेरन के पहाड़ पर चढ़ रहे, माथेरन पहुँच चुके। और आज का मैं आप लोगों को पूरा कोटेशन भी बताऊंगा कि ओवरऑल कितना एक्सपेंस होता है हमारा हर संडे पे। और ये मैंने गोप्रो लिया हुआ है हाथ में, जैसे कि आप मिरर में देख सकते हो, हाथ में लेके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कैलाश ड्राइव कर रहा है। और यहाँ की पहाड़ी भाई अलग सा ठंडा है, यहाँ पर मौसम अभी धूप आने की वजह से हल्की हल्की सी ह्यूमिडिटी फील हो रही है, लेकिन भाई यहाँ की पब्लिक तो मतलब यहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं है जितनी होनी चाहिए, लिमिटेड पब्लिक है, लेकिन ठीक है चलो मज़ा आएगा। और यहाँ से जो है टॉय ट्रेन जाती है, तो ये टॉय ट्रेन का रास्ता है पूरा ऊपर जाने का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आते हो तो आपको यहाँ से टॉय ट्रेन लेनी पड़ती है, वो ऊपर छोड़ देती है। और नीचे इकोज भी मिलती है, इको वो भी ऊपर मतलब पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, फैमिली के साथ आया था लास्ट टाइम, मेरे को याद नहीं कब आया था, लेकिन मेरे को लगता है 1-2 साल हो गए आके यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे जल्दी आते नहीं है माथेरन, क्योंकि प्लान नहीं बनता है रोड अच्छा, हमें जो संडे को एंजॉय करना होता है रोड, इसलिए हम लोनावाला साइड या आहूरा साइड जाते, लेकिन आज हमने प्लान कर ही दिया। शेडो की आवाज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और यहाँ तक आपने अगर ब्लॉग देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। यहाँ की पहाड़ी देख रहे हो भाई साहब, यहाँ का व्यू देखो। तो बस अभी फ्रेंड्स माथेरान से निकले हैं, और ओए होए होए इनसे लंबा रहो, ये माथेरान आओगे तो इको से लंबा रहो। और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, व्यू देख रहे हो गाइस एकदम बढ़िया वाला।
अभी जहाँ से हम अंदर घुसते माथेरान के लिए लेफ्ट मारते हैं, वहाँ से राइट मारेंगे। उससे पहले लेफ्ट में नाश्ता करेंगे क्योंकि भूख लगी है तगड़ी वाली। चलो चलो मोरिया। तो बस लास्ट JNPT का पैच अभी हम पार करने वाले। मजा लेते हुए फ्रेंड्स, बस यहाँ पे हमारे एंडिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट होता है वैसा हमारा एंडिंग पॉइंट है ये, मतलब JNPT का स्टार्टिंग में ब्रिज के नीचे। तो वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी सही वीडियो था, मज़ा आएगा आपको। वीडियो को पूरा देखे रहोगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट टाइम आपको कुछ खतरनाक मिलने वाला है कंटेंट, तो रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।